हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 4 हम देखेंगे बेटा। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्केलर मैट्रिक्स। हमने इससे पहले आपको डायगोनल मैट्रिक्स बता दिया था, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बता दिया था। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है देख लीजिए। स्केलर मैट्रिक्स में बेटा प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला पॉइंट होता है इट इज अ स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और क्या होने चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स भी होने चाहिए। इसका मतलब है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। आपको मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स में ही बताया था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। बस इसमें एक केस बढ़ जाता है बेटा, क्या बढ़ जाता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा ये आपके इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं, कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, कोई भी कांस्टेंट होता है। अब देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स में कौन सा होता है मेन पॉइंट, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ये पॉइंट इसमें पड़ जाता है। और सब सेम होता है जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में था कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। बस ये पॉइंट इसमें नहीं था कि डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यहां पर ये इक्वल होते हैं, ये आपका पॉइंट याद रखना आपको, ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं, इन जनरल में क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी a scalar matrix if aij equal to 0 when I never equal to j and aij equal to k, ए का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, when I equal to j, ठीक है। ये तो फिर पता ही है कि नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कोई भी ले सकते हैं, ऑर्डर m, कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है, m by n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑर्डर m को लिखते हैं m by m ऑर्डर। अब इसका एग्जाम्पल ले लो बेटा, तो इसका एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, A इक्वल टू कोई भी ले लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2x2 भी ले सकते हैं, 3x3 भी ले सकते हैं, 4x4 भी ले सकते हैं। तो हमने 3x3 का ले लिया, सबसे आसान रहता है। तो डायगोनल में बताया प्रिंसिपल डायगोनल यही होता है, इसमें I डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, I इक्वल टू J होना चाहिए डायगोनल के लिए। तो 11 A11 A22 और A33 यही डायगोनल एलिमेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये नॉन जीरो होने चाहिए और इसी में क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, ये के हो गया, यहाँ पर ये भी के होना चाहिए और ये भी के, ए का मतलब वो 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, जो भी हो, ठीक है। और बाकी का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये सभी 0 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर के हो गया बेटा, यहाँ पर सेम होना चाहिए, तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया, सेम की जगह पर 2 3 4 डिफरेंट कर दिया, तो किसमें चला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स में चला जाएगा। इस टाइम ये डायगोनल मैट्रिक्स है, के लिखा है फिर भी डायगोनल है, पर इसको अगर के नहीं लिखेंगे तो स्केलर नहीं बोल सकते, अगर 2 3 4 लिखा तो स्केलर नहीं बोलेंगे, पर अगर 2 3 4 लिखा डायगोनल तो बोल सकते हैं, डायगोनल इस टाइम भी है, राइट। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी हो चल जाएगा, पर स्केलर के लिए ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। एक अनदर एग्जाम्पल दे दीजिए, बी इक्वल टू जैसे 4 5 4 4 4, बाकी सभी 0, बताइए डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर स्केलर मैट्रिक्स है। ये 4 4 4 है तो स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट। पर अगर हम बात करें जैसे कि अगर सेम नहीं किया हमने 2 3 4
जीरो 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 ये अब टू थ्री फोर कर दिया, ये डायमंड मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्केलर हो जाएगी, ये भी स्केलर है, राइट। स्केलर के लिए सिर्फ ये सेम होना मस्ट होता है, नोट करिएगा। बेटा इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्केलर हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिक्स है आपका पार्ट सिक्स। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें देखो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है भाई, सेम प्रॉपर्टी है सभी की। पहला क्या है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला किसका होना चाहिए, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, कोई भी दे सकते हो, ऑफ ऑर्डर m, राइट। इसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन एलिमेंट आर जीरो ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, वहां पर तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, सेम होने चाहिए, और यहां पर सेम तो हो पर ओनली क्या होना चाहिए, इक्वल टू वन होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल होने चाहिए, वन के इक्वल होने चाहिए। वहां पर ऐसा केस नहीं था, वहां पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट के इक्वल, यहां पर इक्वल होना चाहिए। एग्जांपल से देख लो बेटा, एग्जांपल में देखेंगे तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू कोई भी ले लीजिए, जैसे कि हमने 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, हमने 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, तो बेटा यहां पर हमें पता नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होना चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो कर दीजिए, और ये क्या होना चाहिए, सेम टाइप एलिमेंट्स किसके इक्वल होना चाहिए, वन के इक्वल होना चाहिए, जीरो 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 और जीरो। ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, राइट। और बेटा इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए आई जनरल फॉर्म में लिखेंगे, इफ A इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इज सेट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन क्या होना चाहिए बेटा, ए आई जे इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन, व्हेन आई इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सारे वन होने चाहिए, और ये होना चाहिए। ये तो बेटा हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब थोड़ी देर बात करते हैं एग्जांपल लेकर, ऐसे a इक्वल टू हमने लिखा है, सिर्फ वन लिया है, अब ये बताइए बेटा डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले ऑर्डर देखो वन बाई वन है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड में क्या चेक करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो है, पहले चेक करो यहाँ वन है, वन तो क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट हुआ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसका जीरो वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, तो ये क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब ये बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, स्केलर भी होगी, स्केलर में सेम होना चाहिए, सेम वन है, और डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। अब सेकंड पॉइंट बात करें तो ये हमारी स्केलर भी हो गए, डायगोनल भी हो गया, और हमारा क्या हो गया, और स्क्वायर भी हो गया। अब एक एग्जांपल और देते हैं,
ए इक्वल टू हमने लिया है 1100। ये क्या है? सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी 1 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्केलर भी होगा। स्केलर के लिए सेम होना चाहिए, डायगोनल के लिए कुछ भी हो फिर भी चलेगा। तो ये स्केलर भी हो गया, डायगोनल भी हो गया और आपकी आइडेंटिटी भी हो गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल। ए इक्वल टू हमने लिया 2200। ये बताइए आइडेंटिटी है? ये क्योंकि 2 2 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो आइडेंटिटी तो नहीं है। आइडेंटिटी नहीं है, क्या है? ये आपकी डायगोनल भी है और डायगोनल के साथ साथ आपकी क्या है? स्केलर भी है, क्योंकि सेम है। स्केलर के ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, इसको नोट कर लीजिए।